वेलकम बैक एंड नाउ आवर डिस्कसिंग फ्यू इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स एंड ये प्रॉब्लम्स आपको रिफ्रेशर्स में दिखती हैं जैसे आदिश आर एस अग्रवाल. सो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग दैम अपार्ट फ्रॉम योर एनसीईआरटी. इसमें वो बोल रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 2011 एंड 2623 वाइल लीविंग रिमाइंडर 9 एंड 5. तो हमें वो सबसे बड़ा नंबर बताना है बेटा जो कि 2011 एंड 2623 को डिवाइड कर देता है, और जब वो उसे डिवाइड भी करेगा तो रिमाइंडर 9 और 5 छोड़ देता है. ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन. तो एग्जैक्टली इसमें आपको जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो HCF होता है, वो हमें पता है. तो जो रिक्वायर्ड नंबर यहाँ पे होगा वो क्या होगा, HCF होगा 2011 माइनस 9, क्योंकि जब आपका रिमाइंडर अगर 9 बच रहा है उस नंबर में, तो अगर आप उस 9 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे इस नंबर में से, अगर 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यानी 202 ये नंबर पूरा डिवाइड होगा देन उस सबसे बड़े नंबर से. सिमिलरली 2623 में से अगर मैं 5 को माइनस करूँ तो यानी 2618 बचेगा और ये नंबर भी पूरा डिवाइड हो जाएगा. तो इन तरीके के क्वेश्चंस में जब भी आपका रिमाइंडर 95 बच रहा है और डिवाइड करवाने हैं ये बड़े नंबर्स को एक ऐसे नंबर से, तो आप हमेशा इन्हें सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा. ठीक है, अब आपको यहाँ HCF चाहिए. HCF आप किसी भी मेथड से दे सकते हैं, लेकिन मैं आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा से देना चाह रहा हूँ. उसमें क्या होता है, a=bq+r होता है, r यहाँ पर रिमाइंडर है और a जो हमारा इंटीजर होता है वो हमेशा b वाले इंटीजर से बड़ा होता है. ठीक है, तो जब मैंने ये फॉर्मूला बेटा यहाँ पे लगाया है तो ये क्या होगा, क्योंकि a हमेशा b से बड़ा होना चाहिए और इन दोनों नंबर में 2618 बड़ा है 2002 से, तो a ये हुआ, b आपका ये हुआ. अगर आप इसको 1:1 करेंगे, ठीक है, तो रिमाइंडर आपका बचेगा 616. देन अब इन दोनों में जो बड़ा नंबर है वो इधर आएगा, यानी 2002 और 616 इधर आया. आप इसको 3 से करेंगे तो रिमाइंडर 154 आएगा. रिमाइंडर इन दोनों केसेस में ज़ीरो नहीं आ पाया, ये आपको पता है, NCERT हम डिस्कस कर चुके हैं पुरानी वीडियोस में. तो अब 616 और 154 को लेके हमने फिर से यूक्लिड डिवीजन अगर लेमा लगाया तो वो बना 616 इज इक्वल्स टू 154 × 4 + 0. तो यानी अब मेरा रिमाइंडर ज़ीरो आ चुका है. ये मैंने बहुत शॉर्ट में आपके लिए सॉल्व किया है, आपको यहाँ तक पहुँचने में थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग तो होगा डेफिनेटली. ठीक है, तो 616 = 154 × 4 + 0 हो गया, रिमाइंडर ज़ीरो आ गया. तो उस केस में आप देखें a = bq+r होता है, तो जो भी b की वैल्यू होती है जब रिमाइंडर आपका ज़ीरो हो जाता है और b की जो भी वैल्यू होती है उसे आप HCF बोल देते हैं. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो हमारा HCF आया है बेटा वो आया है 154. सो 154 यहाँ पे वो सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट नंबर था. ठीक है, आई होप द क्वेश्चन इज़ क्लियर टू यू.